यह है 10 किलो का वेट मशीन और इसका प्रॉब्लम है ये मशीन ऑन नहीं हो रहा है। अगर मशीन ऑन नहीं हो रहा है तो हो सकता है अंदर से मदरबोर्ड का कोई प्रॉब्लम हो या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम होता है तो आप खुद घर बैठे ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। तो देखिए यह है ऑन ऑफ स्विच, कैंची से या इसको ड्राइवर से अगर इसको इस तरह से पुश कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ऑन ऑफ स्विच खराब होता है तो कैसे पता चलेगा, देखिए ये मशीन तो ऑन नहीं हो रहा है। अगर ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम है तो अगर इसको अगर ये दो कनेक्टर से अगर कनेक्ट करते हैं तो अगर मशीन ऑन होता है तो ये स्विच का प्रॉब्लम है। तो देखिए इस पिन को और इस पिन को, दो पिन को शॉर्ट करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। देखिए कनेक्ट करने का बाद मशीन ऑन हो रहा है, जैसे ही इसको हटा लिया फिर से बंद हो गया, यानी ऑन ऑफ स्विच प्रॉब्लम है। ऑन ऑफ स्विच चेंज करने का दो प्रोसेस है। एक है, आप अगर आपका पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप कोई मोबाइल का दुकान से या फिर टीवी मरम्मत का दुकान से एक ऑन ऑफ स्विच में एक थोड़ा वायर रिसोल्ड करके ला सकते हैं और इस तरह से कुछ छील लेना है। देखिए दोस्तों ये स्विच टीवी पर्स का दुकान में भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉप में भी मिल जाएगा। अगर आपका पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप इससे भी सोल्ड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको इस तरह से काट लेना है, देखिए दोस्तों, फिर इसको भी छील लेना है ऐसे। फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई बात नहीं है, आप कोई भी वायर से लगा सकते हैं। इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है, अब इसे अंदर ठेल देना है। देखिए दोस्तों इस तरह से ठीक से लगा देना है। देखिए दोस्तों बीस किलो का मशीन या 30 किलो का मशीन या 50 किलो का, 100 किलो का, 200 किलो का, सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर आपका स्विच प्रॉब्लम होता है तो आप इसी प्रकार से स्विच बदल सकते हैं।